हेलो गाइस, इन्वेस्टमेंट ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप FD, RD या LIC की स्कीम से अलग इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो फिर म्यूचुअल फंड आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। इसके अलावा म्यूचुअल फंड में भी आप किसी भी AMC के किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अलग अलग AMC के अलग अलग म्यूचुअल फंड मार्केट में अवेलेबल है। SBI का भी एक AMC है, SBI MF के नाम से। तो आप अगर चाहें तो किसी SBI के म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आज जिस म्यूचुअल फंड के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये SBI का ही एक शानदार म्यूचुअल फंड है। एक्चुअली म्यूचुअल फंड के अंदर शेयर मार्केट से लिंक्ड रिटर्न हमें देखने को मिलते हैं। ज़्यादातर जो फंड होते हैं वो शेयर मार्केट से लिंक्ड होते हैं, लेकिन जिस फंड के बारे में आज हम बात कर रहे हैं, ये मार्केट की जो दिग्गज टॉप की कंपनीज हैं उन्हीं के अंदर इस फंड के पैसे को इन्वेस्ट किया जाता है। जैसे रिलायंस इंडस्ट्री, HDFC बैंक, ICICI बैंक, HDFC, इन्फोसिस, ITC, TCS, L&T, कोटक महिंद्रा बैंक, जो टॉप की 50 कंपनीज हैं, यानी कि जो निफ्टी 50 के अंदर कंपनीज आती हैं, ये फंड उन्हीं के अंदर अपने पैसे को इन्वेस्ट करता है। ये एक इंडेक्स फंड है। इंडेक्स फंड मतलब एक पर्टिकुलर इंडेक्स के अंदर जो कंपनीज आती हैं उनके अंदर इस फंड के पैसे को इन्वेस्ट किया जाता है। तो ये क्योंकि एक निफ्टी इंडेक्स फंड है, तो निफ्टी के अंदर 50 कंपनीज आती हैं, जो देश की दिग्गज टॉप 50 कंपनी हैं उन्हीं कंपनियों को निफ्टी 50 के अंदर रखा जाता है, और ये फंड भी उन्हीं कंपनीज के अंदर अपने पैसे को इन्वेस्ट करता है। तो यहाँ पर हमें कंसिस्टेंट रिटर्न्स मिलने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। जो स्मॉल कैप के कंपैरिजन में अगर हम मीडियम कैप कंपैरिजन में करके देखें तो यहाँ हमें रिटर्न्स उनके कंपैरिजन में कम देखने को मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको वोलेटिलिटी भी काफ़ी कम देखने को मिलेगी और एक कंसिस्टेंट रिटर्न्स आपको देखने को मिलेंगे। और कंसिस्टेंट रिटर्न्स भी दोस्तों शानदार देखने को मिलेंगे जो FD, RD से, PPF से या फिर जो LIC की स्कीम्स होती हैं उनके कंपैरिजन में आपको 1.5 से 2 गुना तक यहाँ पर रिटर्न्स देखने को मिल जाएंगे। ओवरऑल जो इस फंड के रिटर्न्स हैं वो 12% के हैं। पिछले 5 साल के इसके रिटर्न 12.77% के हैं। पिछले 3 साल के इसके रिटर्न 23.49% के हैं। पिछले 1 साल के इसके रिटर्न 13% के हैं। पिछले 1 महीने में इसने 3.25% के रिटर्न्स दिए हैं। SBI के इस म्यूचुअल फंड का नाम है SBI निफ्टी इंडेक्स फंड। अब इस फंड के अंदर आप तीनों तरह से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तीनों तरह मतलब आप अगर चाहें तो SIP भी कर सकते हैं इस फंड के अंदर, यानी मंथली बेसिस पर या वीकली बेसिस पर, जो भी आपका बजट हो उस हिसाब से आप इन्वेस्टेड कर सकते हैं। किसी भी तरह की कोई लिमिट नहीं है। मिनिमम आप 500 रुपीज़ से शुरुआत कर सकते हैं और मैक्सिमम जितना आपका बजट हो उस हिसाब से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरी तरफ अगर आप चाहें कि आप मंथली बेसिस पर SIP ना करके एक साथ इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसके अंदर आपको वो फैसिलिटी भी देखने को मिल जाएगी। आप अगर चाहें तो लमसम इन्वेस्टमेंट भी इस फंड के अंदर आप करके छोड़ सकते हैं। मिनिमम 5,000 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट होता है और मैक्सिमम जितना आपका बजट हो उस हिसाब से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब तीसरा इन्वेस्टमेंट और है जो है SWP, यानी कि सिस्टमेटिक विड्रोवल प्लान। इसके तहत आप इन्वेस्टमेंट एक बार करते हैं और उसके बाद में आप अपने मंथली खर्चों को पूरा करने के लिए पेआउट लगा देते हैं। तो मंथली पेआउट लगाने के लिए आप इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करके छोड़ सकते हैं। उससे आपको 2 बेनिफिट मिलेंगे। एक तो आपको मंथली बेसिस पर इनकम होना शुरू हो जाएगी और दूसरे नंबर पर आपको दोस्तों जो आपके फंड की ग्रोथ है वो भी आपको देखने को मिल जाएगी। इसके बारे में मैंने कई सारी वीडियोज़ बनाई हैं। आप जो मंथली इनकम वाली स्कीम्स हैं उनमें जाकर आप देख सकते हैं कि हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है अगर आप किसी फंड के अंदर SWP यानी कि सिस्टमेटिक विड्रोवल प्लान लगा रहे हैं। अब दोस्तों इस फंड के जो ओवरऑल रिटर्न्स हैं वो 12% के हैं। तो आगे आने वाले टाइम में अगर हम यही रिटर्न्स एक्सपेक्ट करके चलें और मान लीजिए आप इसके अंदर मंथली बेसिस पर 3,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उस 12% रिटर्न के हिसाब से अगर हम देखें 5 साल में तो 1,80,000 रुपये का टोटल हमारा इन्वेस्टमेंट होगा। 67,000 रुपीज़ के अप्रोक्स हमें रिटर्न्स मिलेंगे और फाइनल हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1,80,000 प्लस 67,000, यानी कि 2,47,000 रुपये के आसपास फाइनल हमारी वैल्यू हो जाएगी। कोई भी इन्वेस्टमेंट हो दोस्तों, अगर आपका व्यू लॉन्ग है तभी आप शानदार रिटर्न्स प्रोवाइड रिटर्न पा सकते हैं। अब अगर हम इसी इन्वेस्टमेंट को अगले 10 साल के लिए इन्वेस्टेड करके रखते हैं तो जो पहले 5 साल में मात्र 67,000 रुपीज़ के हमें एस्टिमेटेड रिटर्न्स मिले थे, 5 से जो 10 साल का टाइम पीरियड है उसमें हमें 3,37,000 रुपये के रिटर्न्स हो जाएंगे हमारे टोटल, जबकि हमारा इन्वेस्टेड अमाउंट 1,80,000 रुपये ही रहेगा। तो 10 साल में 3,60,000 रुपये का टोटल हमारा इन्वेस्टमेंट हो गया और 3,37,000 रुपये के हमें रिटर्न्स मिल जाएंगे, यानी कि जो एस्टिमेटेड रिटर्न्स हैं वो हमारे
इन्वेस्टमेंट अमाउंट के ऑलमोस्ट बराबर हो गए हैं, यानी कि 6,97,000 रुपये हमारे फंड की फाइनल वैल्यू हो चुकी होगी। इसी तरह से अगर हम बात करें दोस्तों अगले 15 सालों में, तो 5,40,000 रुपये का टोटल हमारा इन्वेस्टमेंट होगा, 9,73,000 रुपये के हमें एस्टिमेटेड रिटर्न्स मिलेंगे और फाइनल हमारी वैल्यू 15,13,000 रुपये हो चुकी होगी। इसी तरह से अगर हम 20 साल के टाइम पीरियड की बात करें, तो 7,20,000 रुपये का टोटल हमारा इन्वेस्टमेंट होगा, 22 लाख रुपये के हमें एस्टिमेटेड रिटर्न्स मिलेंगे और 29,97,000 रुपये फाइनल हमारे फंड की वैल्यू हो चुकी होगी। अब इसमें से सिर्फ और सिर्फ कैपिटल गेन टैक्स का डिडक्शन होगा जो ऑलमोस्ट 10% होता है और फाइनल अमाउंट हमारे अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। म्यूचुअल फंड के अंदर इस तरह की भी कोई बाउंडेशन नहीं होती है कि आप एक साल के लिए फंड चला रहे हैं, मिनिमम एक साल के लिए क्राइटेरिया होता है, अदरवाइज आपको अलग चार्जेस लग जाते हैं। अगर आप एक साल से बाद में कभी भी अपना पैसा विड्रॉ करते हैं, तो उस केस में आपको सिर्फ और सिर्फ LTCG यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है, इसके अलावा आपको कोई भी चार्ज नहीं लगते हैं। अब मान लीजिए आप इसके अंदर 30 साल तक इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उस केस में 10,80,000 रुपये का टोटल हमारा इन्वेस्टमेंट होगा और 95 लाख रुपये के हमें एस्टिमेटेड रिटर्न्स मिल जाएंगे। तो आप अपने बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए या बच्चों की फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए या अपने रिटायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर 3,000 रुपये प्रति मंथ का इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं, तो 95 लाख रुपये के आपको एस्टिमेटेड रिटर्न्स मिल जाएंगे और फाइनल हमारी वैल्यू 1,05,00,000 रुपये हो जाएगी। अब इसके अंदर आप लमसम इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, यानी कि आप मिनिमम 5,000 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करके छोड़ सकते हैं और मैक्सिमम जितना आपका बजट हो उस हिसाब से आप कर सकते हैं। मान लीजिए आप इसके अंदर 2,00,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करके छोड़ देते हैं, मिनिमम आप 5,000 रुपीज़ का भी कर सकते हैं, तो अगले 30 सालों में हमारा 2,00,000 रुपये बढ़कर 57,91,000 रुपये के हमें एस्टिमेटेड रिटर्न्स मिल सकते हैं 12% रिटर्न के हिसाब से 30 सालों में। और फाइनल हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2,00,000 जो हमने इन्वेस्टमेंट किया और 57,91,000 रुपये जो हमें एस्टिमेटेड रिटर्न्स मिले, इन दोनों को मिलाकर फाइनली 59,91,000 रुपये हमारे फंड की वैल्यू हो जाएगी। अब इसी इन्वेस्टमेंट को अगर आप 5,00,000 रुपये कर देते हैं, तो 5,00,000 रुपये हमारा बढ़कर 1,49,00,000 रुपये हो सकता है अगले 30 साल में 12% रिटर्न के हिसाब से। म्यूचुअल फंड के अंदर जो रिटर्न्स मिलते हैं वो दोस्तों कंपाउंड भी होते हैं, इसका एक एडवांटेज ये भी होता है, यानी कि जो भी आपके फंड की ग्रोथ होती है उसे आपके फंड में ऐड कर दिया जाता है और फाइनली उसी पर दोस्तों अगला जो हमारा रिटर्न कैलकुलेट होता है वो उसी के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, अब बात आती है कि हम इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट करने के भी कई सारे तरीके हैं, आप अगर चाहें तो SBI बैंक के थ्रू भी कर सकते हैं, वहाँ के किसी कर्मचारी के द्वारा भी करा सकते हैं, मैनेजर के द्वारा अपना इन्वेस्टमेंट जो है वो शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी एजेंट के थ्रू करेंगे तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो रेगुलर मोड में होगा। रेगुलर और डायरेक्ट दो तरह से म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट होता है। रेगुलर में डिफरेंस ये है दोस्तों कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसकी ग्रोथ से एक छोटा सा हिस्सा कमीशन के रूप में एजेंट को चला जाता है, लेकिन वहीं अगर आप खुद से इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे आप वेबसाइट के थ्रू करें या आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करके करें या फिर आप किसी ऐप के थ्रू करें, तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो डायरेक्ट होता है। ये आपको चेक करने की भी ज़रूरत है कि आप जब भी किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसके आगे डायरेक्ट लिखा हुआ होना चाहिए। जैसे अगर हम इसी फंड के बारे में बात करें, तो इस फंड का जो नाम है वो SBI निफ्टी इंडेक्स फंड है, तो इसका जो पूरा नाम है, क्योंकि ये एक डायरेक्ट ग्रोथ प्लान है, तो इसका पूरा नाम SBI निफ्टी इंडेक्स डायरेक्ट प्लान ग्रोथ है, यानी ये एक डायरेक्ट हमें इन्वेस्टमेंट करने की अपॉर्चुनिटी देता है। और जो रेगुलर डायरेक्ट की जगह रेगुलर अगर लिखा हुआ है, तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ एजेंट को एक कमीशन जाएगा आपके फंड की ग्रोथ से। तो आपको अगर उस चीज़ से बचना है तो आपको इन्वेस्टमेंट खुद से करना होगा, चाहे आप ऑफिशियल वेबसाइट से कर दें या फिर आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करके कर दें। दोनों के ही जो लिंक हैं, अगर आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करके करना चाहते हैं तो ज़ीरोधा के अंदर आप कर सकते हैं, एंजल ब्रोकिंग के साथ में आप कर सकते हैं, दोनों के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं। आप अगर चाहें तो पेटीएम मनी के द्वारा भी अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इससे रिलेवेंट अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब आपको ज़रूर दूंगा। धन्यवाद।